हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास। टुडे वी आर लर्निंग क्लास 10th लेसन 7 पार्ट 2 द ऐप डी डिन डी फिंडेट। क्लास 10th की बुक है बेस्टे फ्रॉन्डे, उसका चैप्टर 7 है, उसको आप हम पढ़ेंगे। और एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली अब हम प्रेपोजिशंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकल प्रेपोजिशंस। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 10th का तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप A2 लेवल के जो भी वीडियोस है आप सारे देख सकते हैं। A2 लेवल की ग्रामर आपको मिलेगी जो कि आपके क्लास 10th में काफी यूजफुल है। प्लेलिस्ट में A2 लेवल चेक कीजिए एंड वॉच द वीडियोस। लोकल प्रेपोजिशंस मींस जो हम डायरेक्शंस देखने के लिए प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे इन दिस वीडियो। ओके, इट इज यूज टू गिव डायरेक्शंस। ओके, सो वी विल सी फर्दर। वोहिन accusative, as you are already aware, वोहिन का यूज हम करते हैं accusative केस बनाने के लिए। तो मींस अगर हम वोहिन यूज कर रहे हैं तो जो सेंटेंस होगा वो accusative होगा, लाइक वोहिन गेंजी, वोहिन फारंजी, वोहिन फ्लीगंजी। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हम प्रेपोजिशन की हेल्प से देंगे, डायरेक्शंस, वे, रास्ता, स्ट्रीट। ठीक है, कैसे हम पार करते हैं, कैसे प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट लोकल प्रेपोजिशन को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा यही होगा वोहिन गेंजी, और इस तरह की वो गेन, फारन और फ्लीगन आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। तो एक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है जो हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे, बिस, एंटलांग, यूबर, इन। मीनिंग्स इनके आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वन बाय वन विल सी ऑल दीज प्रेपोजिशन एंड we'll learn how to make sentences. Wohin geht Tim? Tim kahan ja raha hai? Tim geht die Ecke. Tim goes round the corner. Aap symbol dekh sakte hain, sign dekh sakte hain, U-turn ke liye bhi use karte hain isko. So whenever you want to say like this, the sentence would be Tim geht die Ecke. Yahan pe preposition hai, jo ki accusative hai, to die Ecke. Theek hai, round the corner. यू टर्न के लिए भी इस प्रेपोजिशन को हम यूज करते हैं और स्ट्रक्चर सेम रहेगा डी एक। नेक्स्ट, टिम गेट डिन फ्लूस एंटलांग, तो हियर द प्रेपोजिशन इज एंटलांग। यहाँ पे हमने एंटलांग प्रेपोजिशन का यूज किया है विच इज ऑल्सो अक्यूजेटिव और इसका प्लेस हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है। एंटलांग प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, इट मीन्स टिम गोज अलोंग द रिवर, रिवर के साथ साथ जा रहा है, रिवर के अलोंग साइड, by the side of river. So whenever you want to say like this, sentence is Tim geht den Fluss entlang. Fluss means river और entlang की position sentence के last में होती है। Next sentence, Tim geht nach rest. आप directions की बात करते हैं, left side, right side, sentence would be like nach rest, nach links. Okay, so Tim geht nach rest means Tim is going towards right. Towards the right direction, in the right direction. तो right direction में जाना है तो आप बोलेंगे नाक रेस्ट, लेफ्ट में जाना है तो नाक लिंक्स। इस तरह से आप directions का use करते हैं। Preposition होगी always नाक, ठीक है, rest और links, right और left लिखने से पहले आपको नाक लिखना होगा। आप begun is a verb, it means to take turn. To take turn, आप begun है, separable verb है, Tim beat in the Marienstrasse up. टिम ने मरीन स्ट्रासे में टर्न लिया, टिम टेक्स अ टर्न इन द मरीन स्ट्रासे। तो यहाँ पे आप बिगन सेपरेबल वर्ब है, आप देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है, और इन इज द प्रेपोजिशन मींस इन द स्ट्रीट, आप स्ट्रीट के अंदर टर्न लिया है, तो देयरफॉर इन द मरीन स्ट्रासे, टिम बीट इन द मरीन स्ट्रासे आप। दिस इज द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ आप बिगन वर्ब सेपरेबल। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है यूबर मीन्स ओवर, टिम गोज ओवर द स्ट्रीट, टिम गेट यूबर डी स्ट्रासे, यूबर डी स्ट्रासे मीन्स ओवर द स्ट्रीट, आप स्ट्रीट पे चल रहे हो, वी कैन से यूबर डी स्ट्रासे। दिस इज द सेंटेंस विद द प्रेपोजिशन यूबर, अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है, यूबर मीन्स ओवर, ओवर द रोड, ओवर द स्ट्रीट, यूबर डी स्ट्रासे। टिम गेट बिस सुम बानहोफ, यहाँ पे हमने दो प्रेपोजिशन यूज किए, बिस और सुम, दोनों एक साथ यूज करते हैं, इसी तरह से सेंटेंस बनता है, टिम गोस टिल द रेलवे स्टेशन, आप सिर्फ रेलवे स्टेशन तक जा रहे हो तो बिस सुम बोलना है, बिस ओनली नहीं, बिस सुम पूरा बोलेंगे, बिस सुम बानोव, सुम इसलिए आया बिकॉज बानोव का आर्टिकल डेयर होता है।
आर्टिकल डेयर और दास है तो आप सुम लिखोगे. टिम गेट बे सुम बानहोफ. टिम गोस टिल द रेलवे स्टेशन. नेक्स्ट है टिम गोस टिल द ट्रैफिक लाइट. सिर्फ ट्रैफिक लाइट तक ही जाना है. इसको बोलते हैं आम्पल. इसका आर्टिकल डी है इसीलिए बिस सुर. तो बिस एंड सुर दोनों लिखने साथ में. टिम गेट बिस सुर आम्पल. आम्पल का आर्टिकल डी है इसीलिए सुर लिखा है हमने. सो डी होगा तो सुर और डेयर और दास होगा तो सुम. तो बिस सुम और बिस सुर दिस इज द कॉम्बिनेशन वी यूज. इसका मीनिंग होता है टिल अप टिल. टिम गेट बिस सुर आम्पल. सिर्फ ट्रैफिक लाइट तक ही जाना है. ओनली अप टिल ट्रैफिक लाइट या फिर टिल रेलवे स्टेशन. तो बिस सुर और बिस सुम का यूज आपको इस तरह से करना है. टिम यूबरक्वेट डी स्ट्रासे. टिम क्रॉसेस द रोड. रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए यूबरक्वेरन. द वर्ब इज यूबरक्वेरन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब. थर्ड पर्सन के साथ कॉन्जुगेशन है यूबरक्वेट. टिम यूबरक्वेट डी स्ट्रासे. टिम इज क्रॉसिंग द रोड. तो ये अब हमने देखा वोहिन. अब हम देखेंगे वो के साथ इस चैप्टर में जो बेसिकली यूज हुआ वर्ब गेगन यूबर प्रेपोजिशन है और जाइन और लीगन वर्ब को यूज किया हमने. वो जो सेंटेंस होता है डार्टी में उसका आंसर होता है. बिकॉज द क्वेश्चन वर्ड वो तो डार्टी सेंटेंस होता है. उसका आंसर ऑलवेज डार्टी में होता है विद द हेल्प ऑफ डार्टी प्रेपोजिशन. ओके हम देखते हैं. जाइन मीन्स टू बी. लीगन मीन्स टू लोकेट सिचुएट. सपोज क्वेश्चन पूछा मैंने वेयर इज द बैंक. वो इज डिबांग. और वेयर इज द बैंक सिचुएटेड. वो लीक्ड डिबांग. दोनों का मतलब सेम है. आप अलग अलग वर्ब यूज कर सकते हैं इस्ट और लीक्ड. मीनिंग इज सेम. वेयर इज द बैंक और वेयर इज बैंक सिचुएटेड और लोकेटेड. इसका जो आंसर होगा डार्टिव में होगा. और डार्टिव प्रेपोजिशन हमारे पास है गेगन यूबर. कुछ और क्वेश्चन देखिए डार्टिव में. वो लीक्ड डेयर सुपर मार्क. वेयर इज द सुपर मार्क. वो इज द शूल. वेयर इज द स्कूल. वो जिंडजी. वेयर आर यू. ये सभी क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो डार्टिव में होंगे. रिमेंबर क्वेश्चन के आंसर डार्टिव में होंगे. क्वेश्चन डार्टिव में नहीं होंगे. पॉइंट टू बी नोटेड. ओनली आंसर विल बी इन डार्टिव. सो जब हम आंसर बनाएंगे तो हम डार्टिव सेंटेंस में ही बनाएंगे. लाइक वो इज डी शूल. शूल कहां पर है आप देख सकते हैं. ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस. ठीक है पोस्ट ऑफिस का सिंबल मैंने यूज किया है जस्ट टू मार्क यू. पोस्ट ऑफिस डिशूले इज डेयर पोस्ट गिवन यूवर. लेटर बॉक्स को पोस्ट ऑफिस एज ए कंसीडर करना है. पोस्ट का आर्टिकल डी. सो डार्टी में कन्वर्ट होगा डेयर. द स्कूल इज ऑपोजिट द बैंक. ओके और ऑपोजिट द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस इसको लिख सकते हैं. ठीक है ऑपोजिट द पोस्ट ऑफिस करना है बैंक नहीं पढ़ना. The shoelace is the post Gegenüber. Gegenüber आप देख सकते हैं डार्टिव प्रेपोजिशन है. इसका प्लेस लास्ट होता है. ठीक है और डी आर्टिकल कन्वर्ट हो गया डेयर पोस्ट में. सो दिस इज द सेंटेंस फॉर्मेशन विद द डार्टिव प्रेपोजिशन. तो इस चैप्टर में डार्टिव प्रेपोजिशन Gegenüber यूज हुआ है जिसको आपको यूज करना है. इट मीन्स ऑपोजिट. समथिंग इज लोकेटेड ऑपोजिट समथिंग एल्स. पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड ऑपोजिट स्कूल. और स्कूल इज लोकेटेड ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस. Cinema is located opposite theater. So this is the preposition Gegenüber, dative preposition.